हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है चाइनीज़ कुकिंग के बारे में। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चाइनीज़ चौमिन्स की रेसिपी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नूडल्स की रेसिपी, कि हम नूडल्स किस तरह से बनाते हैं। तो जब हबी मेरे साथ किचन में होते हैं, जीनू मेरे साथ किचन में होते हैं, तो हम दोनों क्या क्या मस्ती करते हैं किचन में। तो चलिए फिर बनाते हैं अपने चौमिन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने पानी थोड़ा बॉयल करने के लिए रख दिया था पहले से ही। तो जब पानी आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए, बॉयल हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें नूडल्स ऐड कर सकते हैं। तो उसमें आपको ऑयल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, ताकि नूडल्स में पहले से ही नमक हो। तो इसलिए और ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। तो बस यहाँ पे पानी हो गया है गर्म, तो अभी मैं डाल दूँगी अपने नूडल्स इसमें। तो नूडल्स को बिल्कुल भी तोड़ के या ऐसे मत डालिए, बिल्कुल जैसे होते हैं वो वैसे ही निकाल के पैकेट से, तो लंबे लंबे वैसे ही डाल दीजिए। जैसे जैसे वो पकते जाएंगे तो वो खुद ही नीचे नीचे बैठ जाते हैं फिर। तो पूरे ये इस पतीले में, मतलब जैसे ये बड़ा सा बर्तन लिया है मैंने, आप भी इसी तरह का कोई खुला सा बड़ा सा बर्तन लें तो उसमें आप उसको डाल दें। और बस इस तरह से आपको डालने हैं, और पानी जैसा कि गर्म है, जैसे ही वो सॉफ्ट होंगे वो खुद ही अंदर बिल्कुल उसमें चले जाएंगे बर्तन में। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपनी चॉपिंग। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अनियंस कट कर रही हूँ, और वेजीज जो हैं वो मैंने कट करके रख दी हैं, ताकि मेरे नूडल्स जो हैं थोड़े हेल्दी वे में बनाए जाएं। तो इसलिए मैंने उसमें वेजीज जो खूब सारी डाली हैं। तो सिर्फ नूडल्स से हमें खाने को नहीं मिलेंगे, वेजीज भी मिलेंगी। और अयान के लिए बना रहे हैं तो इसलिए वेजीज थोड़ी ज़्यादा डाली हैं हमने। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट्स डाल सकते हैं। मैंने कैरेट्स, कैप्सिकम, ब्रोकली और इस तरह से लंबे लंबे कुछ काट दिए हैं, पतले पतले स्लाइस, वो ज़्यादा पतले तो नहीं हो पाए मेरे से, लेकिन जिस तरह से भी हो पाए उस तरह से मैंने कट कर दिए हैं। बीन्स भी डाले हैं मैंने इसमें, और कैबेज नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे नूडल्स हमारे पक चुके हैं, तो अभी हम स्ट्रेन कर लेंगे सारा वाटर इसमें से। और तो यहाँ पे सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद हम इसको ठंडे पानी से निकाल देंगे एक बार टैप के नीचे, क्योंकि कुकिंग इसकी यहीं पे स्टॉप होनी चाहिए। नूडल्स हमें ओवर कुक नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पके चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी होके रख दी हैं, और गैस कर दी हमने ऑन, कढ़ाई चढ़ा दी है उस पर। तो थोड़ी डीप सा पैन जो होगा, डीप सी कढ़ाई जो होगी उसमें ज़्यादा अच्छे से पकते हैं, और हमें गैस जो है बिल्कुल फुल रखनी है। तो हम सिम पे नहीं पकाते हैं इसको, फुल पे पकाते हैं जो भी हम चाइनीज़ चीज़ें पकाते हैं। और तेल हो गया है गर्म, तो यहाँ पे ऐड कर दी हैं हमने अनियंस, और उसके बाद ऐड कर दी हैं अपनी वेजीज। और बस इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसमें करंच सा हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है चाइनीज़ नूडल्स में। तो बस यहाँ पे बस इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम थोड़ी देर ही, 2 मिनट ही, फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे अपने नूडल्स इसमें, ताकि नूडल्स भी इसमें मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। तो इसमें हमें चाहिए विनेगर, सोया सॉस और केचप और चिली सॉस, बस ये 4 चीज़ें चाहिए। और नमक थोड़ा सा डालेंगे हम, लेकिन हमने पहले से नूडल्स में डाला हुआ है तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, और वो हम ऐड लास्ट में ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है हमने इसमें सोया सॉस और चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर, और डाल देंगे थोड़ी सी केचप, ताकि नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। तो बस इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, अच्छा सा मिक्स देना है सब इन सारी चीज़ों को, ताकि नूडल्स में जो भी फ्लेवर है सारा आ जाए इनका। तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाते हैं हम इनको, बस 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद ये हो जाएंगे रेडी। और मास्टर शेफ़ देखिए किस तरह से कढ़ाई को हिला हिला के नूडल्स को पका रहे हैं। तो जीनू इसमें एक्सपर्ट है नूडल्स वगैरह बनाने में, कोई भी चाइनीज़ डिश होती है वो पकाने में जीनू ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि आप बनाओ। तो ऐसा कभी कभी होता है कि वो किचन में आते हैं और हमारे लिए कुछ कुछ पकाते हैं, और अयाना को बस पापा के हाथ की ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें वो बनाते रहते हैं, तो तभी अयान को भी पसंद है। तो नूडल्स को जब भी आप मिक्स करें तो एक बात का ध्यान रखें, या तो फोक से करें या फिर
जैसे जीनू कर रहे हैं कुछ नाइफ से कर रहे हैं, उनको नाइफ मिला तो नाइफ से ही कर रहे हैं वो, तो बस ये टूटने नहीं चाहिए, तो फिर ये अच्छे नहीं लगते हैं दिखने में भी, तो खाने में भी इतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स जो हैं वो हो गए हैं बनके रेडी, यमी यमी नूडल्स। तो बस अब ये हो रही है इनकी प्लेटिंग, और इसके बाद हम बाहर बैठ के खाएंगे इनको। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और मस्ट ट्राई रेसिपी है, बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, चाइनीज़ कुकिंग कोई मुश्किल नहीं है। तो कुकिंग किसी भी तरह की हो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए आपको, और मतलब कोई भी कुक कर सकता है, कोई भी बना सकता है इसको, तो ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नई रेसिपी के साथ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे।